हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा तिवारी और स्वागत है आपका द बिंज लिसनर्स में। और आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षक, विश्व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, कुशल रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं। यहां हम प्रस्तुत करेंगे चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय को। चाणक्य नीति दूसरा अध्याय। नंबर 1, झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अत्यधिक लालच करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, ये स्त्रियों के कुछ स्वाभाविक दोष हैं। नंबर 2, भोजन करने के लिए अच्छे पदार्थों का होना, उसे खाकर अच्छी तरह से पचाने की शक्ति होना, प्रेम करने अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री का मिलना, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह होना, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान है। नंबर 3, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती हो अर्थात पतिव्रता हो, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। नंबर 4, पुत्र वही है जो पिता भक्त है, पिता वही है जो बच्चों का पालन पोषण करता है, मित्र वही है जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सके, और पत्नी वही है जिससे सुख शांति प्राप्त हो। नंबर 5, जो प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोड़ा अटकाता हो अर्थात आपको बर्बाद करने की योजना बनाता हो, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर तो विष भरा है और ऊपर मुंह के पास दूध हो। नंबर 6, जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और अपने घनिष्ठ मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः आपका विशिष्ट मित्र भी आपके सारे रहस्यों को प्रकट कर सकता है। नंबर 7, मन से विचारे गए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, अपितु मन पूर्वक सोचते हुए उसे मंत्र की तरह रक्षित करना चाहिए और अपने सोचे हुए कार्य को कार्य रूप में बदलना चाहिए। नंबर 8, निश्चित रूप से मूर्खता दुखदायी है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदायी किसी पर आश्रित होना या दूसरे के घर पर रहना है। नंबर 9, सभी पर्वतों पर रत्न और मणि नहीं होती, नहीं हर एक हाथी में मुक्ता मणि होती है, हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते, उसी प्रकार सज्जन लोग भी सभी जगह नहीं मिलते। नंबर 10, बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतानों, पुत्र और पुत्रियों को अच्छे गुणों की सीख दें, उन्हें अच्छे कार्य व्यापार में लगाएं, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। नंबर 11, जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वे उनके शत्रु के समान हैं, क्योंकि ऐसे विद्याहीन बच्चे विद्वानों की सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं पाता। नंबर 12, अत्यधिक लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और कड़ी शिक्षा देने से वे गुणी हो जाते हैं। भाव यही है कि शिष्य और पुत्र को यदि जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड न करें, तो वे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। नंबर 13,
व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब उसने एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा हो। दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य आदि को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 14, पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबों एवं दरिद्रों या स्वार्थियों की सभा में रहना, ये बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। नंबर 15, नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में रहने वाली स्त्री एवं बिना अच्छे मंत्रियों का राजा, ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। नंबर 16, एक वैदिक का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। नंबर 17, वैश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को व आमंत्रित किया गया अतिथि भोजन करने के पश्चात घर को छोड़ देते हैं। नंबर 18, ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिष्य विद्या प्राप्त करने के उपरांत अपने गुरु को और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। नंबर 19, बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वाले का साथ देने से तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले से मित्रता करने वाला व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। नंबर 20, प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है, नौकरी राजा की ही अच्छी होती है, व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है और घर में उत्तम गुणों वाली स्त्री ही शोभा पाती है। तो ये था चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय, चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय की सीख। इस अध्याय के प्रारंभ में ही स्त्रियों के दुर्गुणों की ओर ध्यान दिलाया गया है। ये भी बताया गया है कि कौन सा परिवार सुखी रहता है और सुख उसी परिवार को प्राप्त होता है जहां सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यह संसार बड़ा विचित्र है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो मीठी बातें करते हैं परंतु पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। चाणक्य ने तो ये भी कहा है कि अपना रहस्य अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए। मूर्खता तो कष्टदायक होती ही है, जवानी और दूसरों के घर आश्रित होकर रहना भी दुखदायी होता है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तम वस्तुएं तथा सज्जन लोग सब स्थान पर नहीं मिलते हैं। चाणक्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि माता पिता अपनी संतान को गुणवान बनाए, उनका ध्यान रखे और उन्हें बिगड़ने ना दे। व्यक्ति अपना समय सार्थक बनाए, अच्छे कार्य करे। आचार्य ने मनुष्य को बार बार सचेत किया है कि उसे वास्तविकता समझनी चाहिए, उसे दुष्ट स्त्रियों और पुरुषों से बचना चाहिए, वह प्रेम और मित्रता अपने बराबर वालों से ही रखना चाहिए। कुछ जरूरी नोट, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य द्वारा स्त्री विशेष, जाति विशेष और धर्म विशेष के लिए कहे गए कुछ सूत्र वर्तमान समय के संदर्भ में इतने सही प्रतीत नहीं होते हैं। ये कुछ लोगों को बुरे भी लग सकते हैं क्योंकि ये नीतियाँ आचार्य चाणक्य के समय में हुई घटनाओं और उनके पूर्वानुभवों पर आधारित है। हमने उनके विचारों को ठीक वैसे ही प्रकाशित किया है जैसा आचार्य चाणक्य ने लिखा था। ऐसे ही मजेदार और अच्छे कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल द बिंज लिसनर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी विषय के बारे में जानना और सुनना पसंद करते हैं या आप भी कुछ अच्छा लिखते हैं और चाहते हैं कि हम उसे हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत करें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।